तो करिश्मा, जैसे कि हमने बात की, वजन वेट मैनेजमेंट सबके लिए बहुत जरूरी है, बट सबसे ज्यादा आई थिंक ये यूथ के लिए यानी यंग लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार वो अपने वेट को लेकर के बहुत कॉन्शियस होते हैं। इसके लिए वो तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं, कोशिशें करते हैं कि किस तरह से वेट कम हो जाए। आपके हिसाब से वेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या हैं और यूथ अपने डेली लाइफ में इन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये फूड्स अच्छे हैं, ये फूड्स इसको ऐड करो, उसको करो, बट टुडे बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली, क्योंकि हम स्पेसिफिकली यूथ की बात कर रहे हैं, तो थ्री थिंग्स जो हमारा जो यूथ है, अगर हम ये थ्री थिंग्स निकालेंगे हमारे लाइफस्टाइल में से, दैट्स व्हेन इट्स गोइंग टू बेनिफिट अस. सो नंबर वन इज अल्कोहल ड्रिंकिंग. मोर देन 80% ऑफ द यूथ टूडे इज डिपेंडेंट ऑन एल्कोहल फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट रीजन्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, रिक्रिएशनल पर्पसेज के लिए तो एल्कोहल पियेंगे, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोशल पार्टीज वगैरह हो गई, फ्रेंड्स को मिल लिया, वीकेंड्स हो गए, तो ये टाइम पे तो बहुत कूल हो जाता है एल्कोहल पीना. उसके साथ साथ दूसरा पैटर्न जो मैंने नोटिस किया है इज दैट इट इज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत सारे यंग गर्ल्स बॉयज को लगता है कि दे कैन डिपेंड ऑन एल्कोहल इफ दे वांट स्ट्रेस रिलीफ फ्रॉम देयर लाइफ. जब से पैंडमिक हुआ है, उसके पहले भी तो इट यूज टू बी अ नाइट लाइफ कल्चर, राइट? कि हम वीकेंड्स को द यूथ वुड गो आउट एंड देयर वुड बी पार्टीज फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट्स एंड एवरीथिंग. तो वो कल्चर प्री पैंडमिक था, बट पोस्ट पैंडमिक देर इज अ न्यू कल्चर. देर इज अ न्यू कल्चर वेर यू डोंट नीड टू गो आउट, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पर हम घर पे बैठ के ही अल्कोहल पियेंगे. मैंने मैंने इससे पहले कभी भी इतना जोर नहीं दिया है ऑन द टॉपिक ऑफ अल्कोहल, बट टुडे आई विल टॉक अबाउट इट, इज बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेजर मेजर रीजंस वेर आई हैव सीन द आज की जो युवा पीढ़ी है जो एकदम ही ज्यादा सफर करती है, इज ऑन दिस दिस वन पॉइंट, नंबर वन. उसके बाद दूसरे दो है, इट्स बिकम अ कल्चर. अल्कोहल ड्रिंकिंग इज अ कल्चर नाउ. एल्कोहल कंजम्पशन इज कंसिडर्ड वेरी कूल, ओके? और अब ऐसा माहौल हो गया है कि अगर कोई एल्कोहल नहीं कंज्यूम करता है, लाइक इफ आई वेंट टू अ पार्टी और अगर मैंने पूरे पार्टी में बताया कि नहीं मैं एल्कोहल नहीं पीती या मुझे नहीं पीना है, इट बिकम्स पियर प्रेशर. द क्वेश्चन दैट कम्स टू यू इज दैट हाउ कैन यू नॉट ड्रिंक एल्कोहल? अरे वॉट डू यू डू टू हैव फन देन? There will be this very social peer pressure kind of thing for people to consume alcohol, which I think is absolutely wrong. There is nothing cool about drinking alcohol. Let me मैं थोड़े medical terms बताऊंगी अभी. सबसे पहली बात, आपकी body को alcohol process करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. आप अगर for boys also and for girls also, it does not matter. बहुत बहुत बार बोला जाता है कि लड़कों की कैपेसिटी अच्छी होती है दारू पीने के लिए और लड़कियों की कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है. वेल, ये बात सच है. ये बात सच है कि विमेन हैव अ जेनेटिकली मेड अप बॉडी व्हिच डज नॉट सपोर्ट अ लॉट ऑफ अल्कोहल. देयर इज अ रीजन फॉर दिस, एंड एज कम्पेयर टू विमेन, मेन कैन टॉलरेट अ लिटिल बिट मोर अल्कोहल. बट हाउएवर, हैविंग सेड दैट, योर बॉडी आपकी बॉडी को प्रोसेस करने को अल्कोहल बहुत ज्यादा वक्त लगता है. हम जब अल्कोहल पीते हैं, ऑटोमेटिकली नोटिस करेंगे कि ओवर ईटिंग हो जाती है. उसके बाद हमें सब जंक खाना होता है, हमें इंस्टेंटली बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, एंड देन देयर इज नो कंट्रोल ओवर द काइंड ऑफ द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट वी आर ड्रिंकिंग. दूसरी बात ये, आपकी किडनी के लिए, आपके लिवर के लिए ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है. डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का लिवर और किडनी से ही होता है, और अगर आपने एक पैटर्न बना दिया है आपकी लाइफ का कि आप बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, तो ये किडनी और लिवर दोनों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है.